अखिलेश मिश्र भी हमारे साथ जुड़े हुए, पॉलिटिकल एडिटर है जनतंत्र टीवी के। अखिलेश जी, आपका विश्लेषण सर। देखिए, जो बात अभी विपिन जी ने कही, मैं वहीं से शुरुआत करूंगा। हाँ। जो दो गढ़ माने जाते थे, रामपुर और आजमगढ़, उसमें जो परिणाम आए और लग रहा था ऐसा कि जो उपचुनाव में, हालांकि अखिलेश यादव गए नहीं, लेकिन जो परिणाम आए वो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए बहुत शॉकिंग थे। तो मैनपुरी में अब ऐसी परिस्थिति में फिलहाल समाजवादी पार्टी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी। दूसरी बात यह है कि जैसे ये कोई सीनियरिटी की पोस्ट नहीं होती है कि साहब वो 10 बार के सांसद रहे हैं तो अब वही लड़ेंगे। वो कोई सरकारी पद नहीं है कि वो अब उनकी सीनियरिटी अपग्रेड होती जाएगी। राजनीति में बहुत से नए लोग आते हैं जो 10-10 बार के पुराने लोगों का टिकट काटते हैं, तो वो कोई और दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी में आज की डेट में जो डिम्पल यादव हैं, आपकी बात सही, माफी के साथ आपको रोकूंगी सर, आपने सही कहा कि ये कोई फिक्स नियम नहीं है, कोई सरकारी डिपार्टमेंट तो है नहीं कि भाई एक पर्टिकुलर वे में वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन सर, क्या इससे अंदरूनी तौर पर फूट नहीं पड़ती है या कहीं ना कहीं रिश्तों में दरार नहीं आती है? वो बेशक से मुंह से कुछ ना बोले, लेकिन क्या दिलों में खटास नहीं आती है कि भाई मेहनत हम करें और मलाई खाने कोई और आ जाए? देखिए, ऐसा है, ये राजनीति में हर पार्टी के लिए होगा। हाँ। एक जगह से 10-10 जिला अध्यक्ष टिकट मांगते हैं। हाँ। हर एक लोकसभा से टिकट मांगते हैं, तो जब और लोगों को टिकट नहीं मिलेगा, सबके मन में खटास आ जाएगा। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के जो 4 लोग टिकट मांग रहे हैं, ठीक है, अब उनमें एक को मिलेगा, बाकी के मन में खटास नहीं आएगी। हाँ। बात यह है कि दरअसल देखिए, मुद्दे से क्या है, डिम्पल हाँ। यादव चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हैं, उन्होंने 20 बातें बताई कि हाँ डिम्पल परिवारवाद, ये वो ये नहीं बता रहे कि उनकी पार्टी से कौन आएगा। उनको ये नहीं पता है, वो कह रहे ये अपर्णा जी हो सकती है, जो 3 लोगों के नाम गए हैं उनमें अपर्णा जी का नाम ही नहीं है। वहां पे शाक कैंडिडेट पे बीजेपी बहुत गंभीरता से विचार कर रही है, और जितना लोकतंत्र दिखाने की कोशिश होती है, क्या प्रदेश सरकार उपचुनाव में वो भी फैसला नहीं लेगी, उससे केंद्रीय कमेटी फैसला लेगी। ये है, देखिए, और जहां तक बात सुनील जी कह रहे थे, देखिए धर्मेंद्र यादव से हमारी भी बात होती रहती है, कभी उस बात का वो इस बात का विरोध नहीं करते हैं, और जो फैसला अखिलेश यादव लेते हैं, और डिम्पल कोई और कैंडिडेट होता तो भी शायद तेज प्रताप यादव उसका विरोध नहीं करते, लेकिन अगर डिम्पल के लिए तो उनका कोई विरोध संभव ही नहीं है। और अगर धर्मेंद्र जी ने ये बात कही होगी कि आजमगढ़ में अगर अखिलेश जी आए होते, ये हो सकता कहा हो, लेकिन वो इस संदर्भ में कही होगी जितना कम मार्जिन से हारे हैं, अगर अखिलेश जी आए होते तो हमारे हार जो है जीत में बदल सकती थी। एक छोटा सा सवाल, शिल्पा जी, आप आदेश करें तो। जी सर। मैनपुरी के जिलाध्यक्ष क्यों बदले गए? नहीं, बदले नहीं गए, पूरे प्रदेश के जिला, देखिए मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए पूरे प्रदेश की कमेटी भंग है और जिला अध्यक्ष आलोक साहब के बनाए गए, बदला नहीं, कब, अभी कुछ दिन पहले। कितने जिलाध्यक्ष उनके साथ बनाए गए? अभी खाली बनाए गए, अकेले बनाए गए ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो मैं वही कहना चाह रहा था, एक नाम की घोषणा होती है और जो पूर्व जिलाध्यक्ष काम देख रहे थे, नगर अध्यक्ष काम देख रहे थे, तत्काल एक नाम की घोषणा मैनपुरी से होती है, तो ये सवाल खड़े होते हैं कि जो पूर्व कमेटी थी, पूर्व कमेटी डिम्पल यादव के नाम से सहमत नहीं थी।